हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एडवोकेट कीर्ति भारद्वाज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज लॉ अकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, डेली बेसिस पर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज हम जो है स्टार्ट करेंगे और आप और हम मिलकर प्रिपरेशन करेंगे फॉर द हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज। हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की जो सीरीज है उसमें आज की नेक्स्ट वीडियो आपके सामने है। पीडीएफ के लिए क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से फ्री पीडीएफ डाउनलोड करके हमारे साथ प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। जिन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दी है उनके लिए ऑल द बेस्ट, जिन्होंने नहीं किया तो भैया किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आज की सीरीज में, एक्सीडेंट एज एन एक्सेप्शन हैज़ बीन डील्ड। एक्सीडेंट को एक एक्सेप्शन के तौर पर कौन से सेक्शन में डील किया गया है। 77, इट इज़ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, लॉ, ये सारे चीज़ें हैं। 82 जो है डॉली इनकैपेक्स के बारे में बात करता है, 7 साल से नीचे वाले सिनेरियो के बारे में बात करता है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। तो सेक्शन 80 जो है वो एक्सीडेंट को एक एक्सेप्शन के तौर पर आपका डील करता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अंडर सेक्शन 60 IPC इन सर्टेन केसेज ऑफ इम्प्रिजनमेंट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट कैन बी, 60 के मुताबिक ठीक है, जो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट है मतलब जो आपको जेल में रहने का जो समय है, इम्प्रिजनमेंट है, वो कैसा होगा। पूरा का पूरा रिग्रेस, पूरा का पूरा सिंपल, कैन बी पार्टली रिग्रेस और पार्टली सिंपल, तो भैया या आइदर ए और आइदर बी। तो भैया यहाँ पर कहते हैं कि सेक्शन 60 के अकॉर्डिंगली रिग्रेस भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है। रिग्रेस का मतलब होता है डेंजर लेवल की जो होती है, मतलब जिसमें पत्थर तोड़ने का रिग्रियस वर्क होता है, और सिंपल मतलब सामान्य कारावास। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज कंटेन्ड इन, प्राइवेट डिफेंस के बारे में कौन सा चैप्टर बात करता है। हिंट दे देती हूँ, 96 से लेकर 106 तक है और चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। तो प्राइवेट डिफेंस की बात बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों मैटर्स में होती है और सेक्शन नंबर है इसका 96। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इम्प्रिजनमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ मोलेस्टेशन अंडर IPC, मोलेस्टेशन में जो है, मोलेस्टेशन अपराध जो है उसकी सजा का प्रावधान कितना है, 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 3 महीने। तो भैया मोलेस्टेशन की सजा का प्रावधान 2 साल, कितना, 2 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अंडर द IPC हु अमंग इज नॉट लाइबल फॉर कमिटिंग थेफ्ट, भैया कौन सा सेक्शन है ये जो ये प्रोविजन को डील करता है, सेक्शन नंबर 82। वो क्या कहता है कि अगर कोई भी बालक जिसकी आयु 7 वर्ष से नीचे है, वो बंदा या वो बच्चा या वो बच्ची जो है, वो चाइल्ड जो है, अगर उससे कोई अपराध हो जाता है तो ही विल नॉट बी लाइबल टू बी कमिटेड फॉर एनी ऑफेंस, थेफ्ट तो छोड़ ही दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। फॉर एन अनलॉफुल असेंबली मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड, अनलॉफुल में कितने मिनिमम, 5, अनलॉफुल में कितने मिनिमम होने चाहिए, 5 मेंबर्स, लेकिन मैक्सिमम की बात की जाए तो मैक्सिमम के लिए देर इज नो लिमिट। तो यहां पर अक्सर क्वेश्चन आपको घुमा के एग्जामिनर पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, इंस्टिगेशन का मतलब होता है उकसाना, उकसाया किसी को कैसे जा सकता है, बोलकर, भैया लेटर, अगर कोई भड़का हुआ लेटर दे दिया तो भी, कंडक्ट से भी, ऐसे गुस्से से आपको कोई, अगर आपको कोई देख रहा है तो वो इसके अंदर इंक्लूड करेगा। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट, थेफ्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या है, बेसिकली मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोथ ए एंड बी। तो भैया चोरी के लिए जो सब्जेक्ट मैटर है वो हमेशा मूवेबल होगा, यानी कि ऐसी संपत्ति जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजिली टेकअप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को परिभाषित कौन सी धारा में किया गया है, यानी कि कौन से सेक्शन में किया गया, 403, 405, 406, 415। तो भैया 405 जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को डिफाइन करता है। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए आते हैं। द असेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम आर, क्राइम से के असेंशियल इंग्रेडिएंट्स कौन से, मोटिव, मेंस रिया एंड एक्टस रियस, मोटिव, इंटेंशन एंड नॉलेज, मोटिव, इंटेंशन एंड नॉलेज। भैया मोटिव जरूरी है, लेकिन मोटिव एक लौता ऐसा चीज नहीं है कि जिसके ऊपर अगर मोटिव की एब्सेंस है तो आप किसी को या मोटिव ही है सिर्फ तो अगले को एक्यूज कर दो ना। एक्टस रियस एंड मेंस रिया इज द मेन असेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस।
किसी भी क्राइम को, किसी भी एक्ट को क्राइम बनाने के लिए एक्टस रियस और मेंस रिया होना ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, और अगर आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो आप मुझे 8377032873 पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। 999 इसकी फीस है। टोटल इसमें 80 टेस्ट आपके प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। लॉ प्लस जीके प्लस कंबाइंड सारे के सारे टेस्ट हैं। सिर्फ और सिर्फ मेन जो है हरियाणा के परस्पेक्टिव से ये टेस्ट सीरीज़ है। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये टेस्ट आपके ऐप और PDF दोनों में अवेल कराए जा रहे हैं। ऐप पर आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं और PDF को आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर सकते हैं। लेकिन किंतु परंतु के बिना हमारे हिंदुस्तान में कोई चीज़ रुकती नहीं है, तो उसी श्रृंखला में मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट शेयर करने वाली हूँ। राम जी के आगमन पर पूरा देश उत्साहित है, तो उसी उत्साहित में, उसी खुशी के मौके पर एक इम्पॉर्टेंट सूचना आपके लिए कि जो भारद्वाज लॉ अकेडमी के सारे कोर्सेज हैं उन पर फ्लैट 50% ऑफ दिया जा रहा है टिल 24 जनवरी। इसका मतलब अब जो आप टेस्ट सीरीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ 499 में आपको अवेल कराई जाएगी, और पूरे कोर्स की फ़ीस है ओनली 4000 रुपीज़। सो आज की इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, और अगर आपको ये सीरीज़ ज्वाइन करनी है टिल 24 जनवरी सिर्फ 499 में, तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, साथ बनाए रखें। जब तक की नेक्स्ट वीडियो आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। थैंक यू।